जब मशीन से साइबॉक्स लर्न जब गेम में पहुंचे बैटल हुई फिर हिट जोर से लेट इट रिप दुनिया बचाऊंगा मैं पूरा डटकर सबसे तेज हूँ सबसे हटकर शोर से लेट इट रिप सनबर्स्ट हार गया। अपनी पहली लड़ाई हारने के बाद हमें चिंता होने लगी थी कि सनबर्स्ट आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब हमारे पास मौका है, हम फिर से बढ़त हासिल कर सकते हैं, समझे? लीडर ऐसा होना चाहिए जो लोगों को समृद्ध भविष्य का रास्ता दिखा सके, और ये सिर्फ फ्लेम कर सकता है। हम टेस्लांडिया के असली शासक है, ना कि सनबर्स्ट के असली राज घराने से। मेरी बात समझ रहे हो जवानों? हाँ। तुम्हें स्टोन से अगला मुकाबला जीतना है। कमांड हेडक्वार्टर से यही ऑर्डर है, तुम्हें फ्लेम के अभिमान के लिए ये जीतना होगा। हम जीत कर फ्लेम का अभिमान बढ़ाएंगे। हम फ्लेम के वॉरियर्स हैं, हम फौलादी शरीर वाले अदम्य सैनिक हैं, हम में हौसलों की आग है जो कभी बुझ नहीं सकती। अंधेरा हमारा गुलाम है और भविष्य की रोशनी हमारे कब्जे में है। उठो और आगे बढ़ो। जवानों अपना परिचय दो। हम फ्लेम के वॉरियर्स हैं, हम फौलादी शरीर वाले अदम्य सैनिक हैं, हमें हौसलों की आग है जो कभी भी बुझ नहीं सकती। अंधेरा हमारा गुलाम है, भविष्य की आवाज़ हमारे कब्जे में है। जैसे फ्लेम कभी नहीं बुझती, वैसे ही हम भी हमारे फ्लेम के वॉरियर्स हैं। गंदा दिखना मतलब गंदा दिमाग, ये दिखता है कि तुम अकड़ और आलस से भरे हो। इस बात पे तुम सबको काम करना है। खैर, फिलहाल तुम सब 10 क्वार्ट्स लगाओगे जवान। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। ध्यान से सुनो, बे बैटलर्स ही सिर्फ फ्लेम के भविष्य के इंचार्ज नहीं है, ये मत भूलना कि फ्लेम का भाग्य तुम्हारे कंधों पर भी टिका है। इसलिए तुम में से हर एक की बराबर जिम्मेदारी है। यस सर। फ्लेम एक सेना प्रधान देश है जहाँ के शासन का आधार है सख्त नियम और योग्यता आधारित रैंक। ये शुरू में सनबर्स्ट के सशस्त्र बलों का हिस्सा थे। टेस्लांडिया जाने से पहले सनबर्स्ट ग्रहों के गठबंधन का एक प्रसिद्ध राज्य था, लेकिन राजशाही का समर्थन करने वालों को राजशाही विरोधी तख्ता पलट के दौरान अपने मूल ग्रह से खदेड़ दिया गया। उसके बाद वे भागकर दूर के ग्रह टेस्लांडिया पर चले गए। अपने मूल ग्रह को छोड़ने पर मजबूर होने के कारण राज परिवार और सेना के बीच अशांति पैदा हुई। सेना सनबर्स्ट की राजशाही से अलग हो गई और उन्होंने फ्लेम राष्ट्र की स्थापना की। अब फ्लेम का भविष्य उसके युवा मिलिट्री ट्रेनीज के कंधों पर टिका है।
उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। जिनके पास सोने का बैज होता है वे सबसे ऊंचे स्तर के होते हैं और उन्हें एस कहा जाता है। उनका दूसरे ट्रेनीज और फ्लेम के सभी नागरिक सम्मान करते हैं और उन्हें नायक के रूप में देखते हैं। गियर इस वक्त एकमात्र ट्रेनी है जो एस का पद संभाले हुए हैं। एस के बाद आता है हो, एक अभिजात वर्ग जिनके रैंक को चांदी के बैज द्वारा दर्शाया गया है। जीन और कुछ दूसरे लोगों को ये उपाधि मिली हुई है। कांसे बैज वाले ट्रेनीज को सेकंड्स कहा जाता है। ये बैरक में एक साथ रहते हैं और होप और एस के रैंक तक पहुंचने के लिए हर दिन हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेन फाइट विन। फ्लेम के लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी जीते हैं और इनके लिए यही सब कुछ है। देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, आज तो खाना भी अच्छा बना है। हाँ, मैं खाऊंगा पूरी भाजी। क्या तुमने सुना, बैटल में हमारा अगला अपोनेंट स्टोन है। सच में स्टोन? हाँ, खैर उसे हराना तो बहुत आसान होगा और फिर हम सनबर्स्ट से लड़ेंगे। हे देखो, ये रहा महान सेड। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लाइटनिंग से हारने के बाद इसे अपना चेहरा दिखाते हुए शर्म नहीं आ रही है। सिर्फ वॉरियर को बुला लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बे बैटलर बना कैसे? अगर सिर्फ वॉरियर को ही बुलाना है तो हम भी कोशिश करके देखते हैं। बस बहुत हुआ। मुझे पता नहीं ये किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक बे बैटलर हूँ। वॉरियर को हर कोई नहीं बुला सकता। ये इतना आसान नहीं है, आपको चुना जाता है। हे जॉन, अब तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मेरे जैसे होप्स कभी भी खा सकते हैं जब वो चाहें, याद है? तुम तो अब सेकंड्स हो सेड, और हमारे पास काफी अच्छा मेन्यू भी है। स्टोन के साथ हमारा बैटल कल होगा, हम आज रात निकलेंगे। क्या कहा तुमने? लेकिन मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया। ओ सच में? मैं भी एक बे बैटलर हूँ, तो मुझे भी। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें साथ ले जाने का एक भी कारण बचा है सिड? क्या, लेकिन मैं, तुम इतनी दूर बस ये बताने के लिए आए हो? बहुत हुआ, अब तो जिसका मन हो रहा है वही मुझे सुना रहा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या हो गया अगर मैं एक बार हार गया? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं उससे अपनी हार का बदला लूंगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा हुआ, अभी 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद लेवल बी शुरू होगा। मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, प्लीज मैक्सिमम लेवल तक ले जाइए। समझ गई, आगे बढ़ते हैं। अगला मुकाबला फ्लेम वर्सेस स्टोन होगा। पता नहीं इस बार फ्लेम किसे भेजेगा। पिछली बार फ्लेम करबैक्स और सिड को निको ने हरा दिया था, और फ्लेम को हारने से नफरत है, तो हो सकता है इस बार वो एस गियर को भेजें। गियर? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह के वॉरियर को बुलाता है। हाँ, फ्लेम के ताकतवर बैटलर का वॉरियर। हमारा उससे मुकाबला हो उससे पहले हम उसे अच्छे से देख लें, है ना? क्या कहते हो निको? हाँ यही ठीक होगा। क्या हुआ? अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही क्यों गिर गए जवान? कितनी बुरी बात है। फ्लेम का वो हौसला कहां गया? कम ऑन, और तेज। आखिर में आने वाले जवान का हश्र क्या होगा जानते हो? ठीक है, रुक जाओ। देखा तुमने, मैं फिर से इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मेरे साथ आओ सिड। हाँ? हमें तुमसे बात करनी है। बताओ क्या कहना चाहते हो सिड। मुद्दे की बात करते हैं। तुम्हें अपने बे रेडर से हटाया जा रहा है, ये क्या बक रहे हो? ओह कम ऑन, तुम्हें तो इसकी वजह अच्छे से पता होगी ना।
जब तुम लाइटनिंग के उस नौसिखिए से हार गए तो अब तुम फ्लेम के महान बे बैटलर नहीं रह सकते। ये शर्मनाक है और तुम अब इस तरह के सम्मानित खिताब के लायक भी नहीं। इसने सही कहा, तो अब तुम खुद ही पीछे हट जाओ ताकि फ्लेम की इज्जत बनी रहे। सिड, चिंता मत करना, जब तक फ्लेम करबैक्स के लिए दूसरा बे बैटलर नहीं मिलता, होप ट्रेनीज उसे संभाल लेंगे। बिल्कुल नहीं। हाँ? अपनी बकवास बंद करो, मैं चुना हुआ बे बैटलर हूँ। तुम जैसे ट्रेनीज मेरे महान वॉरियर फ्लेम कैरबैक्स को संभालने की काबिलियत नहीं रखते। तुमने हमें बुरा कहा? तुम जो खुद एक हारा हुआ इंसान है, हमसे ऐसे बात करोगे? तो ठीक है, साबित करो कि तुम वाकई एक महान बे बैटलर हो। हाँ सर, हम भी तो देखें कि तुम चुने हुए बे बैटलर हो। रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी तो फ्लेम का एक बे बैटलर हूँ, हो ना दोस्तों? तुम थोड़ा लेट हो सिड, आओ चलें। रात में यहाँ भी बहुत अंधेरा हो जाता है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, उस धमाके वाले रात तो इससे ज्यादा अंधेरा था। चौथी सुरंग में एक गुफा है। सब लोग जल्दी करो, हमें इस मलबे को हटाना होगा। क्या वहां कोई है? तुम कहां हो, जवाब दो, थोड़ी आवाज करो, तुम जो कोई भी हो। ओ वहां पर आता हूं। ये तुम हो क्या? हाँ तुम यहां हो। हे, तुम तो छोटे बच्चे हो, ये क्या? अब छोटे बच्चों को खानों में काम करना पड़ेगा। हे, थोड़ी हिम्मत रखो, वो हमारी मदद के लिए जल्दी ही पहुंच जाएंगे। सच में? लेकिन अगर हम यहाँ से निकल नहीं पाए तो? डर लग रहा है, मैं यहाँ मर तो नहीं जाऊंगा ना? ऐसा मत सोचो, हम बाहर चलेंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो और बस थोड़ी हिम्मत रखो। ठीक है। हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, इस अंधेरे से निकालूंगा और ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ सूरज हर दिन चमकता है। मुझे वॉरियर बैटल्स जीतने हैं। लगता है हम समय रहते पहुंच गए। हाँ। ओह, वो रहे। वो रहा। हे, तुम लेट पहुंचे, हमने सोचा शायद तुम नहीं आओगे स्टोन, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं तुम्हें अपने फ्लेम कैरबैग से कुचल दूंगा। पीछे हट जाओ सिड। गियर प्लीज, मैं फिर से अपना सम्मान चाहता हूँ और मेरे पास यही एक मौका है। नहीं, तुम मुकाबला नहीं करोगे सिड, हम ये बैटल हार नहीं सकते, तुम्हारे सम्मान से ज्यादा जरूरी है फ्लेम के लिए ये बैटल और टोकन जीतना। ध्यान से सुनो, मुझे परवाह नहीं कि मेरा अपोनेंट कौन है, तो क्यों ना तुम तीनों एक साथ आओ और मुझसे बैटल करो। इतना ज्यादा मत बोलो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मुझे पछताना पड़ेगा? अब मुझे तुम जैसे ना समझ इंसान को हराने में और भी मजा आएगा। ये बैटल तुम हमेशा याद रखोगे फ्लेम बॉय। तो फ्लेम की तरफ से गियर आ रहा है, मुझे इसकी ताकत देखनी है। शुरू करते हैं। 3, 2, 1
आयरन मिनेटोरस। Dodge Fire Blaze! यह है टॉर्च फायर ब्लेज। इसका मतलब यही है फ्लेम के एस का वॉरियर। क्या बात है या मिनोटॉरस। दुश्मन वॉरियर का एनर्जी आउटपुट बढ़ रहा है। यह फायर ब्लेज की रीडिंग के पास है मैम। क्या हुआ, तुम हमला क्यों नहीं कर रहे? तुम दिमाग की बजाय ताकत लगा रहे हो। सनबस से लड़ाई के बाद से तुम बिल्कुल आगे नहीं बढ़े। क्या कहा तुमने? तुम्हें इन लड़ाइयों में ताकत के अलावा दिमाग भी लगाना पड़ेगा स्टोन। हीट बर्स्ट। फेदर वल्कन। इसे रोको मिनोटॉरस। क्या बात है, कितना ताकतवर है। हाँ, ये हमारे एस की ताकत है, गियर की। टॉर्च फायर ब्लेज पर इनकी पूरी कमांड है। मैंने अभी तक हार नहीं मानी। जीतने के लिए इतना ही काफी नहीं है। दिखावा करना बंद करो, या तुम इतने मूर्ख हो कि हमारी ताकत के अंतर को तुम देख नहीं पा रहे हो। चुप करो। वर्टिकल क्लच। ये ताकतवर है। ये फ्लेम कैरबैक से बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। हाँ, अगर पहली बैटल में ये मेरा ओपोनेंट होता तो शायद ही मैं इसे जीत पाता। नहीं, मैं देख नहीं पा रहा, मुझे उसके मूव्स का अंदाजा नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आवाज। अच्छा, समझ गया, ये सही रहेगा। अगर मैं नहीं देख सकता तो ऐसा करता हूं कि वो भी ना देख पाए। क्या तुम फिर से स्मोक स्क्रीन बनाओगे? तुम कुछ भी कर लो लेकिन ये लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है? ये क्या? तुम भाग नहीं सकते। गियर, वहां पर क्या हो रहा है? लगता है सैंक्चुरी के नीचे एक बहुत बड़ी सी गुफा है। ये प्राचीन समय में ज्वालामुखी के मैग्मा से बनी हुई लगती है। और गियर कहाँ है? वो सुरक्षित तो है? गियर के जिंदा होने के सिग्नल मिले हैं। वो जिंदा है, उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मल है मैम। सैंक्चुरी गुफा में धस गई? यकीन नहीं हो रहा, क्या जबरदस्त शक्ति थी। वो दोनों नीचे ठीक तो होंगे ना? हद है, ये कैसे हुआ? जैसा मैंने सोचा था, ये गुफा बैटल के लिए बिल्कुल सही है। तो गाय, ये बताओ तुम हो कहाँ? मैं ऐसा ही अंधेरा चाहता हूँ। तुम यहाँ कुछ नहीं देख पाओगे, है ना? लेकिन मैं यहाँ तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी सांसों की आवाज से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जहाँ तुम हो। स्टोन के लोग हमेशा इतने ही अंधेरे में जिंदगी जीते हैं। हीट शमशीर। मुझे नहीं लगता। बताओ कैसी लगी मार? कुछ ठीक नहीं लग रहा। हे गियर, हम फ्लेम के वॉरियर्स हैं। हम फौलादी शरीर वाले अदम्य सैनिक हैं। हम में हौसलों की आग है।
जो कभी नहीं बुझ सकती। अंधेरा हमारा गुलाम है और भविष्य की रोशनी हमारे कब्जे में है। हम फ्लेम के वॉरियर्स हैं। ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? हम फौलादी शरीर वाले अदम्य सैनिक हैं। हम में हौसलों की आग है जो कभी बुझ नहीं सकती। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? ना समझ कहीं के। तुम यहां हो? जाओ फायर ब्लेज, बर्निंग हेड इज बॉम्ब। ये नहीं हो सकता। तुम्हारा आइडिया अच्छा था, लेकिन बेवकूफों के लिए, क्योंकि तुम भी वही हो। तुम फीनिक्स को नहीं जीत सकते। मैं नहीं हारूंगा। मैं फिर से नहीं हारूंगा। खत्म कर दो इसे। हम इस अंधेरे से बाहर निकलेंगे, ये मेरा वादा है। वो देखो, फायर ब्लेज अब सैंक्चुरी की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। बहुत अच्छे, गियर मुकाबला जीत गया। टॉर्च फायर ब्लेज काफी ताकतवर ओपोनेंट है, लेकिन आखिर में हम ही जीतेंगे, है ना निको? हाँ। बुरा हुआ, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं नहीं हार मानूंगा। मैं नहीं हारूंगा, कभी नहीं। ライトニングの次の対戦相手はストーン。決戦の舞台となるサンクチュアリは遠く離れたストーンの領域にある。少しでも早く着いて決戦に備えないと。その途中、俺たちは旅のキャラバンから不吉な話を聞いた。ストーンに着く前に悪魔の餌食にならないことを祈ってるって。次回、ベイウォーリアーズサイボーグ、砂漠、行くぞ、ファーストドラグ。